Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to be reviewing robotic vacuum cleaners in India. बिना कंपैरिजन किए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से विच रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर इज़ बेस्ट फॉर यू डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस, ब्लोअर, फ्लोर, ये सब उसकी स्पेसिफिकेशन देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। एंड देयर आर प्लेथोरा ऑफ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स अवेलेबल ऑनलाइन, जैसे मैंने लिस्ट निकाली है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए बेस्ट कौन सा है। और अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है एंड दे आर थिंकिंग कि अपराइट वैक्यूम क्लीनर्स जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जितना कि एक कन्वेंशनल वैक्यूम क्लीनर करता है, बशर्ते आप सही वैक्यूम क्लीनर चूज़ करें। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड बिफोर मैं अपना एक्चुअल रिव्यू स्टार्ट करूँ कि नो मैटर आप कौन सा वैक्यूम क्लीनर चूज़ करते हैं, बट उसकी टाइमली मेंटेनेंस पे ही डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी लॉन्ग रहेगी। बट सपोज़ इफ़ यू आर समवन हु कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच टाइम कि आप उसको बार बार क्लीन करो, या आपके घर में कैट्स एंड डॉग्स ज़्यादा हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो फॉर एनी चाइनीज टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर, बट रादर जिसकी इंडिया में सर्विस चेन अच्छी हो। हियर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ 15 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स जो कि इंडिया में काफ़ी चलते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो द टॉप 3 अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो आउट ऑफ 15 फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन कस्टमर रिव्यू और जिनकी वारंटी एक साल से कम थी, मैंने उनको एलिमिनेट कर दिया है। अब जितना बजट ऊपर जाता जाएगा, यू विल गेट मोर एंड मोर फीचर्स, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको वो फीचर्स की ज़रूरत है भी या नहीं है। तो आई हैव कवर्ड फ्रॉम 10,000 टू 50,000 एंड डिवाइडेड देम इन 3 बजट कैटेगरीज। मैंने ऐसे सेग्रीगेट किया है दोस्तों, बट 5-10% आगे जाके हो सकता है कॉस्ट वेरी करे। लेट मी टेल यू मैंने किस बेसिस पे इनको कंपेयर किया है। फर्स्ट इज सक्शन। ये माइन्यूट धूल को कितने अच्छे तरीके से मिटाता है डिपेंड्स ऑन इन सक्शन पावर। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धूल नहीं है तो एक 1200 पास्कल का सक्शन प्रेशर काफ़ी होता है। और अगर कोई वैक्यूम क्लीनर 2000 से ऊपर का दे रहा है, देन दैट इज़ जस्ट ब्रिलियंट। फिर आपको फिकर करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन फ्रेंड्स कम बैटरी। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, मोर देन लाइक 2 BHK, तो यू शुड गो फॉर अ हायर बैटरी। आगे का दोस्तों मैं आपको टेबल में ही दिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं हमारे बजट फ्रेंडली वैक्यूम क्लीनर से, जिनकी कॉस्ट समवेयर 10-20,000 लाई करती है। टू स्टार्ट विथ, डीवॉट 500, N79S, रूमबा 692 और यूफी बूस्ट IQ। फ्रेंड्स, मैक्स मोड सक्शन पावर को दिखाता है। मैक्स मोड में आप कारपेट और रक्स को क्लीन कर सकते हैं। आप चाहे तो पॉज करके भी इस स्क्रीन को देख सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। सबसे बड़ा डस्टबिन भी यूफी का है। बड़ा डस्टबिन से क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैटरी भी मोर और लेस सब में सेम है, एक्सेप्ट रूमा में आपको 1 ईयर वारंटी ऑन बैटरी और 2 ईयर वारंटी ऑन द प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, इस बजट में मॉपिंग फीचर नहीं है एंड आई वुड सजेस्ट आप कम बजट में ज़्यादा फीचर्स वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ना खरीदें, बिकॉज यूजुअली फीचर ज़्यादा होते हैं बट वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, फिर उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। सो फ्रेंड्स, विद द हायर सक्शन एंड द बिगर डस्टपैन, द विनर इज़ यूफी। बिकॉज द एडवांटेज ऑफ अ बिगर डस्टपैन इज़ कि आपको उसको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा, और इवन दो रिमोट नहीं है बट इसको चलाना काफ़ी आसान है। डीबॉट 500 भी काफ़ी अच्छा है अगर आपको ऐप चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी मिड बजट कैटेगरी में, 30-35,000 के अराउंड। और हाँ दोस्तों, इन सारे वैक्यूम क्लीनर्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज सबसे बड़े कंटेंडर आई रोबोट और आई लाइफ हैं। आई रोबोट बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों रोबोटिक्स में, और उनका नेविगेशन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है विद द पावर लिफ्टिंग सक्शंस, जो कि मुझे लगता है इंडियन हाउस होल्ड के लिए परफेक्ट है। इसी वजह से मैंने इसको नंबर 1 रैंकिंग दी है। फ्रेंड्स, रूम्बा की सर्विस इंडिया में बहुत अच्छी है। आप चाहें तो आई ब्रावा को यूज़ कर सकते हैं मॉपिंग पर्पजेज़ के लिए, तो यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस रोबोटिक क्लीनर। फ्रेंड्स, जाते हैं हमारी प्रीमियम कैटेगरी की तरफ, जो है 40-45,000 अराउंड। इसमें आपको सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बजट फ्रेंडली और इनमें फीचर्स तो मैं सेम ही दिखा रही हूँ फ्रेंड्स,
बट पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो होता है नेविगेशन का। ये तीनों ही रोबोट की नेविगेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वो कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे आपके घर का टू क्लीन। तो आपको शायद झाड़ू मारने की ज़रूरत हफ्तों में पड़े। इसमें जो क्लियर विनर है वो है रोबोरॉक S5। इसमें इन तीनों में ही मॉपिंग फीचर है, बट इसका मॉपिंग फीचर हैंड्स डाउन दी बेस्ट है फ्रेंड्स। यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट। और अगर आपका बजट 40 से प्लस है तो आप आग बंद करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। इसका वाटर टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है। सो हियर वी हैव आर थ्री विनर्स तीनों ही कैटेगरीज में, यूफी आई रूम्बा 971 और रोबोरॉक S5 मैक्स। सो फ्रेंड्स, मेरी थिंकिंग के हिसाब से आई हैव लिस्टेड दीज थ्री, बट जो बाकी इनके कंपैरिजन में थे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको शायद वो भी अच्छा लग सकता है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और डिटेल में उसके बारे में यू कैन रीड एंड माई टेबल्स आर अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट www.onlinevacuumcleaner.com। आई होप यू चूज द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर योर हाउस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और प्लीज़ बताइए आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन।